ओए नहीं पुत्र है ना, दिल छोटा ना कर, दिल आके क्यों नहीं है? ओए तुम दोनों बराबर के हकदार हो। ये बात इसे समझाएंगे जी, इसे समझाएं, इसे समझाएं। ओए मैं इसको समझाता रहता हूँ, इसको पता है पुत्र है तेरा बड़ा भरा है। भैया इस वक्त तुझे इसलिए बुलाया है कि कुछ कागजात पर तेरे जरूरी दस्तखत करा रहे हैं। जी दस्तखत तो रकम भिजवाने के बाद भी हो सकते थे, अब मिट्टी भी पास बात पर। अच्छा छठ, वो शाम को महमूद कृषि वकील आ रहा सारे कागजात तैयार करके, हैं? तू अंदर जा, रोटी खा और रकम तुझे जितनी चाहे गले मिल जाएगी। किन कागजात पर दस्तखत करने हैं? जिदाद तो आप तकसीम करने पर तैयार ही हूँ। ये असलाहत के कुछ बखेरे हैं, वो जमीर बचाने के लिए कई चक्कर चलाए थे मैंने। अल्लाह के फजल से दो सेमजदा मरबों के अलावा एक किला मैंने गुमुक्त को नहीं दिया था। अब ये चाहते हैं आखिर हम ये सब कुछ खत्म कर देंगे, हमारे पैरों की जमीन खिंच लाए। वाह बड़ा इंसाफ है भाई। अरे तुम नहीं जानते मालादाद इस बात को, मैं तब कर जिंदा रहने का कायल नहीं हूं। चोरी जी, पर चोरी न्याज आपका सक्का भरा है जी। है नहीं था। ओए मैं कबूतर नहीं कि बिल्ली को देखकर अपनी आंखें बंद कर लूं। अगर मैंने न्याज को कत्ल न किया तो वो मुझे मार डालेगा। नहीं नहीं चोरी जी, हमें वहम है जी आपका। ओए वहम में 38 बोर की गोलियां नहीं होती। समझे नहीं चोरी जी, न्याज ने आज कोर्ट के नीचे पिस्तौल लगाया हुआ था। जानते हो इसका मतलब क्या है? अनवर को मैंने खूब भड़का दिया है और न्यास को इस बात पे मजबूर कर दिया है कि वो अपने पास पिस्तौल रखे। तुम्हें ज्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। चौधरी जी फिर क्यों है जी, पिस्तौल तो अक्सर लोग रखते हैं जी। किसी से दुश्मनी हो तब रखते हैं ना। नहीं चोरी जी वह मैं आपका जी, देखो दिलौर है ना शहजादा अपना, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है जी। बड़ा शरीफ जहा बंदा है जी, पर फिर भी अपने पास पिस्तौल हर वक्त रखता है। बात को समझने की कोशिश कर मौलादाद। मैं न्याज की एक एक आदत से वाकिफ हूं। उसने सारी जिंदगी अपने पास पिस्तौल नहीं रखा। ये पिस्तौल मेरे लिए है। जल्दी के फैसले अक्सर गलत होते हैं जी, किधर ऐसा ना हो कि वो क्या हो गया है तुम्हें मौलादाद? तुम तो बड़े जीदार थे हैं? अच्छा बड़ा फसाद कर जाएगा चोरी। कोई फसाद नहीं होगा, बस तुम्हें जरा अकल से काम लेना होगा। तुम पर कोई आंच नहीं आएगी चोरी। देख मौलादाद, मैंने तुम्हें नौकर से ज्यादा हमेशा अपना यार समझा है। कोई मुझे इस काम के लिए ना तेरे जैसे समझदार और बहादुर आदमी की जरूरत है। ओए मैं तुम्हें इतना माल दूंगा, माल इतना नहीं चाहिए चौधरी जी, बात माल की नहीं है। मैं इस काम में गिरफ्तारी से डरते हो? हैं? नहीं जी। तो फिर क्या बात है? और जिस काम को मेरा दिल न माने उसे करने से मुझे हमेशा नुकसान होता है। ओए अबे रेमो में ना पड़ यार, मैं कोई नुकसान नहीं।
बस इतना करना कि मां का वारदात से फरार हो। फरार और चौधरी, मैं कब तक इस जिंदगी से फरार हासिल करता रहूंगा? मसरूर होने से तो बेहतर है कि बंदा फांसी पे लटक जाए। फरार ते 24 घंटे की मौत है चौधरी। तो तुम ये काम नहीं करना चाहते? मौला दाद, मैंने न्यास को कत्ल करने का फैसला कर लिया है। आप मर्जी के मालिक हो, जो चाहे सो कर। चल मौला दाद, वही होया शहजादे जो मैंने सोचा। तो तुम्हारा क्या ख्याल था? मैं फाय लगने के लिए तुम्हें गवाह बनाऊंगा? पर अभी तो तुमने मुझे अपना यार किया था। पर उस वक्त तुमने मेरी बात मानने से इनकार नहीं किया था। बतिया, आपने मत बल के यार हो चोरी। फिर इंतजार किस बात का? चलाओ तो। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं मौला दाद। बात समझा रहा हूं शहजादे, इस शोदे कम से बाज आ जाओ। सुग्राम, मैं तो खुद आज इस न्याज से मिला, कहीं खो गया था। खुदा का शुक्र है आप मिल गए। सुग्राम, तुम्हें जमीन के चले जाने का दुख तो नहीं? इसके बाद मुझे न्याज जो मिल गया उसके लिए तो मैं सारी कायनात भी दे सकती हूँ। सच? कॉफी बना के लाऊं आपके लिए? सूरा, आज खुद पर से तमाम बोझ उतार देने के बाद बहुत हल्का हल्का महसूस कर रहा हूं। यह आखिरी बोझ भी उतार देना चाहता हूं।
ये रख दो, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। अब आप जागीरदार नहीं रहे हैं। ساتھ تو کب آیا شہر سے؟ میں بس ابھی کچھ دیر پہلے ہی پہنچا ہوں، آتے ہی خبر سنی تو سیدھا یہاں آ گیا۔ بہت اچھا آدمی تھا چودھری نیاز۔ چودھری نیاز واقعی اچھا آدمی تھا، ایسے نہیں مر گیا۔ خبریں اس دنیا میں اچھے آدمی کے لیے گنجائش ہی کٹ ہوتی ہے۔ تمہیں پتا ہے سب کچھ کیسے ہوا؟ چودھری انور کا ارمان کر جاتے، چودھری انور کا تو پتا نہیں ہے پر بچ نہیں سکتا شہزادے، جو نیاز کی واٹی نے اسے اپنی آنکھوں سے پستول سے گولی چلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ موٹر تو آپ ہی نہیں مر سکتا۔ شام سے پہلے پہلے سب کو اطلاع ہو جانی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ شکو بھی طرف کے بندہ بھیجیا ہے؟ ہاں جی چوہدری، کربلی جیپ لے کے چلا گیا ہے جی۔ مولوی صاحب ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ ان کا کچھ پتا کرو۔ جی مشک کفور نہیں مل رہا تھا جی، مولوی صاحب خود گئے کرم آباد، سائیکل پہ گئے، بس پہنچنے والے ہیں، باقی میت کا سارا انتظام ہو گیا چوہدری جی۔ نیاز علی کی میت، پتر نیاز علی، تیرے مرن کے مرتے نہیں تھی پتر، بیوقوف شہزادی علی گال کر رہی ہے۔ چلیے اسے تو میں سید گل کے گھر چھڑ کے آیا ہوں، جنازے میں بھی میرے ساتھ تھا۔ وہ تمہیں جان سے مار ڈالے گا۔ کون؟ دلاؤ؟ شہزادہ مجھے مارے گا؟ تیری منگلالی تو ٹھیک ہے، یہاں سے بھاگ چلو پتے شیر۔ زورا کون ہے یہ پتے شیر؟ چلیے فتح شیر کو تو 12 سال پہلے میں نے اپنے ہاتھوں سے مار کے کٹ دیا تھا، اب میں صرف مولا داد ہوں۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو مولا داد،
दिलावर हेमतपुर के चौधरी सिकंदर हयात का भरा है। नहीं, छोड़ा सवेली सिकंदरपुर हलवर बात मुकदमे की नहीं अशमत, उसमें तो जो होगा करेंगे। बात तो तुम्हारे नो की गवाही की है। अब मैं आज इंस्पेक्टर को मिला था, शाम को आ रहा हूं। न्यास की मौत का मुझको बड़ा रंज रियाज था, पर 6 जनवरी पकड़ा गया। नहीं रियाज साहब, नहीं, मेरी नस्ल खत्म हो जाएगी। अनवर इस खानदान का आखिरी चश्म चुराख है, उसी से मेरी नस्ल आगे बढ़ सकती है। मैं उसको किसी सूरत कानून के थेनी चढ़ने दूंगा। याकूब के कितने बच्चे? एक थी है उसकी, पर खानदान के पुत्रों से अगे बातें रास्तली। ये अनवर फैला किया तो मेरे हाथ क्या रह जाएगा? ये किसी सूरत ये साबित हो जाए कि आजली की मौत इतफाकी तौर पर गोली चलने से हुई थी। याद है कि मलक फरमान का पुत्र साहब अरी हो गया था? वो तो इसलिए कि मौके का कोई गवाह नहीं था, सारा पिंड अनवर का नाम ले रहा है। पिंड का बंदोबस्त हो सकता है रियासत अली, सुनी तो सारी सूरा की। अनवर है कहां? है तो ही है। उसे बाहर भिजवा दो, भगा दो यहां से, इसका कोई फायदा नहीं है। जब तक ये कत्ल उसकी नाह के साथ लगा हुआ है, उसको दुनिया के तख्ते पर किधर पनाह नहीं मिल सकती। तुम सुगरा की प्यो से बात करो, उसको समझाओ जो कुछ होना था हो गया, हमें आगे की फिक्र करनी चाहिए। सुगरा की गवाही का तो साहब मतलब ये। आप तुझ को बैठ। मैं जी, वो चौधरी सुल्तान और उसका भाई बाबर आए हैं, आपका पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तुझ को मैं चौधरी रियासत अली से इसलाह कर रहा था कि अनवर को बचाने की क्या तदबीर अख्तियार की जाए। अनवर को बचाने के लिए क्या कह रहे मियां जी, उसने खून किया है न्यास का। हौली बोल चुको, ये अब तो कंधों पर भी इत्तेफाक नहीं किया। मियां जी देखिए ना, तुम्हारे बाप का ख्याल है कि इस वाकये को इत्तेफाकी हादसे का रंग दिया जाए तो अनवर बच सकता है। ये अनवर फाइल लग गया तो मेरी नस्ल खत्म हो जाएगी चुको। नहीं वो तो ठीक है मियां जी, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि न्याज आपका पोता था। मेरी तरफ इस तरह मत देख कुबिया, तेरा क्या ख्याल है, मुझको न्याज का रंज नहीं है। जिंदगी में पहली बार मुझको अपने बुढ़े होने का एहसास हो रहा है। मुझको ऐसा लग रहा है जैसे मेरी एक कप का नूर चला गया है। होए, पर बिल्कुल अन्ना होने से काढ़ा होता बेहतर होता है पुत्र। अनवर ने बड़ा मंदा किया है, बड़ा जुल्म टाया है उसने, पर खून तो मेरा ही है ना। तेरा क्या ख्याल है कि मैं उसको न्याज के साथ उसको भी जाया कर दूं? नहीं नहीं मियां जी, नहीं मियां जी नहीं, अनवर का बचना बहुत मुश्किल है। कत्ल सुगरा की आंखों के सामने हुआ है और हवेली के बहुत से नौकरों ने उसे हवेली से पिस्तौल समेत भागते हुए देखा। नौकरों की क्या जरूरत है कि मेरे हुक्म के खिलाफ गवाही दे सके? सारी मुसीबत तो सुगरा की है। मैंने हमेशा बंदों की अख में अख पाके बात की है, पर उसकी अखों से मुझको दहशत आती है, मेरे लू कने खड़ी हो जाती। न्यास सुगरा का शौहर था मियां जी, उसके सर का ताज। सुगरा को समझाओ हचमत, और कोई तरीका नहीं। आओ बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं, आओ। Thank you.
फतेह शेर खाना खा लो। नहीं शहजादे, तबीयत नहीं जा रही। फतेह शेर, तुम दिलावर से मिलकर सारी बात साफ क्यों नहीं कर लेते? चलिए कहानी दिलावर पढ़ा लिखा और समझदार है, वो हमारी मजबूरी जरूर समझेगा। चलिए, इंतकाम का जज्बा धुंध की तरह होता, बंदे को तो चार कदम से आगे कख नजर नहीं आता। लगता है जी में किस्मत ने मुझे बर्बाद करने की कसम खा रखी। सोने को भी अत पाता हूं तो मिट्टी हो जाता। मैं जानती ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। नहीं शहजादी, नहीं, चलिए चलिए, तो ये तो एक खुशी है मेरी जिंदगी में। तू और शीता ही तो इस खूब अंधेरे में मेरी रोशनियां हो। मैं तो ये सोचता हूँ शहजादी के नूरपुर से निकलने के बाद 12 सालों में मैंने सिर्फ एक ही यार बनाया था। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकले। कैसे कैसे खाफ लिखता शहजादी। फतेह शेर, सोरा सोरा, तुम सोरा, मैं सिकंदर की डोली में नहीं बैठूंगी फतेह शेर। नहीं नहीं सोरा, नहीं सोरा, इस तरह तो बड़ा फसाद पड़ जाएगा सोरा। नहीं तो क्या तुम चाहते होगे? नहीं फतेह शेर, नहीं नहीं सोरा, मैं इस तरह किस तरह जा सकता हूँ? देखना, इससे तो दोनों खानदान रुल जाएंगे जोरा, दोनों खानदान रुल जाएंगे। फतेह शेर, घर के दहलीज से निकलते हुए मेरे पांव भी कई बार कांपे थे, मगर मैं अपना सब कुछ वहां छोड़ आई फतेह शेर, सिर्फ इसलिए कि अब्दुल चाचे के झगड़ों ने तुम पर वह दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया था। सोरा, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ फतेह शेर, चाहे मुझे इसके लिए मरना ही क्यों ना पड़े। मेरे साथ? हाँ। रब को यही मंजूर है जोरा, तो यही सही। चल फिर अभी पिंड से निकल चलते, जो कुछ होगा रल के काट लेंगे। चल मेरे साथ। उस रात से आज तक हम रेत के टीलों की तरह मंजिल पे टिकाना फिर रहे। खबरे और कितने वावरों से गुजरना है। तू दिल छोटा ना कर फतेह शेर, हम यहां से दूर बहुत दूर निकल जाएंगे, हमारी पिछली जिंदगी का साया भी हम पर नहीं पड़ सकेगा। और कितनी दूर जाएंगे जो, कितना भागेंगे और
नहीं सोहा, नहीं, मैं थक गया हूं सोहा। मर्द हूं, तेरा कराला हूं, मेरे होते हुए तुझे किसी को कोई सफाई देने, कोई बात करने की जरूरत नहीं है। दलावरी क्यों ना? पर वो मुझे खाम खाम अपने भाई की मंग समझता है। ठीक ही समझता है। तेरे अब्बे ने मेरे प्यो से झगड़े के बाद दिलावर के पाई से तेरी मंगनी तय की थी, कहता ऐलान कराया था इसका। मैं उसे बताऊंगी ये मंगनी झूठ है, ये धोखा था। मैं तो पहले दिन से अपनी पतिशेर की मांग उसे बताऊ से बताओ कि उस वक्त हम कितने मजबूर थे। इस दुनिया में किसे दूसरे की मजबूरी कौन समझता? याद नहीं उस रात सिकंदर को किन्ना समझाया था मैंने? सिकंदर की बात और थी, उससे इंतकाम ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। दिलावर तो मोहब्बत करने वाला है, तुम्हारा यार है, मुझे अपनी बहन और काबी समझता है और शीने पर तो जान देता है। तो ऐसे का तो स्यापा है सारा, नहीं थे मेरा दिल कहता है वो जरूर हमें माफ कर देगा। तुम उसे बात तो करके देखो, उसे बताओ तो सही। अनवरा ने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है, और एक पास मेरा जी करता है कि तुझे टल के साथ पुठा टांग के तेरी खाल उतार दूं, ते दूजे पास ये बड़ा कह कमाए अनवरा, बड़ा जुल्म ढाया है। मुझे माफ कर देनी है जी, मुझे पता क्या हो गया था, लगता है जैसे किसी ने मुझ पर जादू कर दिया था। कोई चोर भी सत कर छड़ के चोरी करता है, कोई न्यास प्राप्त चुकने से पहले तुमने ये न सोचा कि तुम दवे को दरख्त की टहनियां हो, वही कोई आसमान के तारे हो, एक को जिगर के टुकड़े हो। हशर के दिन मैं अपने पुत्र अपने गुलामली को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं पान यासली जी कब्र पर जाना चाहता हूँ, मैं उसके उसके कदमों पर सर रखना चाहता हूँ। माफी तो सिंधु से मांगी जाती है, भाई मरने वाले तो अपने हिसाब किताब सारे इतने ही मुका जाते हैं। यहां तेरा बड़ा भरा था, तेरी भलाई के लिए किसी बात गल पर मना करता था, अब मैं क्या करूं भैया जी, क्या करूं? इस सवाल का जवाब लबते लबते मैं एक रात में 10 साल बुढ़ा हो गया हूं। कोई अंग्रेज का जमाना होता तो मैं गवर्नर के पास, वायसराय के पास पहुंचता, मैं अपनी खानदान की खिदमत याद दिलाकर बड़ी बुजुर्गों की संधि और तमगे दिखाकर तेरी जान बख्शी करा लेता। खानदानी आदमी की कोई इज्जत नहीं है इनकी अखों में,
अभी सुकना क्या कहती है? कुछ नहीं कहती, बस गंदों को घूरती रहती है। पर मैं उसके खानदान को चंगी तरह पिछाड़ता हूं। भाई माफ करने का लफ्ज़ उनकी किताब में भी नहीं है। वो तुझे माफ नहीं करेगी अनवरिया, तुझे माफ नहीं करेगी। ठीक है भैया, मैंने उसका घर बर्बाद किया है, उसको पूरा हक है मेरी जिंदगी खत्म करने का। मैं उसके बयान से पहले खुद थाने चला जाऊंगा। हाय नहीं पत्रा, हाय नहीं, हाय बड़ी दहशत होती है मौत की। हाय फांसी पर तो बंदा आधा मिनट लटकता है, हाय असल फांसी तो उसका इंतजार होती है। न्यास को वापस ले आना तो मेरे वास में नहीं, मैं तुझे फाई नहीं लगने दूंगा। हमें इसके लिए ये सुगरा को ऐसा कोठी भी बंद क्यों न करना पड़े। भाभी सुगरा के पिछले बहुत तगड़े हैं। आहो अरे इसके सिवा कोई चारा नहीं जी। अब नहीं, मैं भाभी सुगरा से माफी मांगूंगा। अगर उसने मुझे माफ न किया तो मैं आंखें बंद करके फांसी के तख्ते पर चढ़ जाऊंगा। नहीं पुत्रे, नहीं, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया अनवर। पुत्र सुगरा आओ 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 भाई। मेरी वेली बीबी मास्टर, बस अब ना की रोशनी रह गई है। अनवर और न्यास के बाद मुझे हर पास हनेरा ही हनेरा नजर आता है। इतनी बड़ी वेली में हर पास नौकरों की चहल पहल होती थी, एक वाज पर 10 बंदे नाच कर आते थे, अब तो गिनती के 5-7 बंदे रह गए। लेकिन चौधरी साहब, वो चौधरी न्यास की बीवी तो गालिबन वो भी चली गई है। गई नहीं है, वो भजवाया था उसको मैंने, कहती थी मैं यही रहूंगी, इसे वेली में जान दे दूंगी। बड़े तरले पाए थे उसने मेरे, पर मैंने उसको यहां रहने नहीं दिया। अनवर के खिलाफ बयान देने के बाद उसका इस घर पर कोई हक नहीं रहा। लेकिन चौधरी साहब, उसकी जगह कोई भी होता, मेरा मतलब है कि वो कर भी क्या सकती थी। क्या नहीं कर सकती थी वो, मैं मानता हूं मुझको तस्लीम है कि अनवर ने उसके खावंद को कत्ल किया है, इसका बड़ा दुख है मुझको। पर अनवर कोई गैरत नहीं था, उसका देवर था, उसके निके भरा की बराबर था। व्यास मेरे भी जिगर का टुकड़ा था, उसका बड़ा रांझा है मुझको। पर अनवर के खिलाफ बयान देने के बाद इस हवेली की बर्बादी के सिवा और क्या हासिल हुआ है? जब घर को आग लग जाए तो जितना कीमती सामान बच सके बचा लेना चाहिए, तो इसने तो मुझको साठ के सवा कर दिया है। आप ठीक कहते हैं चौधरी साहब, पर जिस पे पड़ती है वो इतनी दूर की नहीं सोच सकता, उसका तो दिमाग ही उसका साथ छोड़ देता है। अब आप नथु बेचारे ही को ले लीजिए, जिस दिन से जीरा मरी है उसे कुछ होश ही नहीं कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, किस हाल में है। नथु की बात हो रहा मास्टर, उसने कौन सा जीरा को गढ़ों में लदना था, क्या था उसके पास जीरा को देने के लिए है? 20 साल से एक एक पैसा जमा कर रहा था और कुल 2000 रुपए बनते थे है। अनवर तो इस जगीर का मालिक है, सिकंदरपुर का वारस है। अजीब बात है चौधरी साहब, आप बाप की मोहब्बत को सोने चांदी और जायदाद से तोल रहे हैं। चौधरी साहब, औलाद का गम अमीर गरीब सबको यकसा होता है। बात गम की नहीं है मास्टर, बात औलाद की है। मैं मानता हूं कि औलाद का दुख सबको होता है,
पर लाद लाद में भी बड़ा फर्क होता है। बिल्ली के बच्चे और शेर के पुत्र में बड़ा फर्क होता है मास्टर। बलूंगड़े दुनिया में इतने हैं कि लाख दो लाख मर जान तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर शेर की नस्ल नयाब होती है, कीमती होती है, और ये अशराफ की नस्ल है, सच्ची ते खालस। मास्टर तुमने आदमियों की इज्जत देखे होंगे, पर कभी हशमत खां देखा है दूसरा? मैं माफी चाहता हूं चौधरी साहब, आपने मुझे हमेशा समझाने की कोशिश की लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि पैदाइश के वक्त जब अल्लाह तबारक व तआला हर बच्चे को यकसा पैदा करता है तो फिर वो बड़े होकर जीरा और टर्मर क्यों बन जाते। चौधरी साहब, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक मैं और आप बराबर। अल्लामा साहब ने क्या खूब शेर कहा है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। मास्टर, तुझको मैंने कितनी बारी मना किया कि मुझको ये शेरों के दलीलें ना दिया, पर नमाज में तो सब में सब खलो ही जाते हैं, ये तो हुक्म है शरीयत का। चौधरी साहब, दौलत और ताकत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से किसी शख्स के पास अमानत होती है, अगर उनसे उसकी मखलूक को नुकसान पहुंचे तो वो खुश नहीं होता। मास्टर, ये गल तो मुझको दस है, और तुझको ग़ैब का इल्म आता है? कोई चिल्ला काट के तुमने पता किया है? किसी फरिश्ते ने इत्तला दी है कि खुदा ताला किन बातों से खुश होता है, किन से नाराज होता है? वो दौलत और ताकत अल्लाह की रहमत होती है, वो बंदा को बंदा पछाड़ कर अता करता है, तो उसको क्यों नहीं उसने सारी चीजें दे दी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की जात ने मुझे हर चीज से नवाजा है, उसकी रहमत है मुझ पर, उस काली कमले वाले की खास नजर है मुझ पर। सारी उम्र उसने मुझे इज्जत आबरू से रखा, उसने मुझे मेरी औकात से ज्यादा दिया है चौधरी साहब, शुक्र। बस यही असल फर्क है, तुझ जैसे मस्कीनों को ज़र भी उतने ही देता है जिसको तुम सहार सको। खूह और समुद्र में बड़ा फर्क होता है मास्टर। कोई इंस्पेक्टर साहब आपसे मिलना चाहते? इंस्पेक्टर? देखा, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि औरतों को मर्दों की बातों में दखल नहीं देना चाहिए। वो एक्साइज इंस्पेक्टर जमाली होगा, उससे मैंने कहा था कराने को। जी वो जमाली साहब नहीं, कोई पुलिस का इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर जी। अच्छा बुलाओ उसे। कमांडर चलो जुबैदा। वालेकुम अस्सलाम। आइए याकूब साहब। जी जी तशरीफ रखिए। शुक्रिया। फरमाइए। इस आदमी को पहचानते हैं आप? ये मेरा मुलाजिम है सादिक। ये कहां मिल सकता है इंस्पेक्टर? ये तो बताना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि मेरे दफ्तर और फैक्ट्री में तकरीबन 300 मुलाजमीन हैं। अब सबानी तो मैं हर एक एड्रेस याद नहीं रख सकता। इस आदमी को कत्ल कर दिया गया है याकूब साहब। अच्छा, तो ये मर गया? अब मेरा मतलब है कि किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है इससे? तो आपको इसकी मौत के बारे में इल्म नहीं है? मुझे मुझे भला इसकी मौत के बारे में कैसे इल्म हो सकता है? वैसे इसे मारा किसने? यही मालूम करने तुम आपके पास आया। इंस्पेक्टर, मेरा जासूसी का इल्म सिर्फ जासूसी नॉवेलों तक महदूद है। I'm sorry, मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं नहीं, हमें आपकी मदद की नहीं बल्कि आपकी जरूरत है याकूब साहब। इसका मतलब है कि यानी सादिक ने मरने से पहले आज सुबह एक बयान दिया। इसका मतलब है कि आपने उसका बयान रिकॉर्ड किया है इंस्पेक्टर? जी हाँ,
इसीलिए तो अस्पताल से सीधा मैं आपकी तरफ आया। इंस्पेक्टर, चंद मिनट की मोहलत देंगे आप मुझे? या थैंक यू। से सीधा बयान लेकर यहीं आया है, अभी इस बयान के बारे में किसी को इल्म नहीं है। मैं आपको हरगिज़ ऐसा नहीं करने दूंगी। आहिस्ता बोलो, पागल मत बनो सुवेदा। ये बयान मुझे फांसी के तख्ते पे लटका सकता है। अब इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है कि मैं इंस्पेक्टर को शूट कर दूं। ये गलती का जवाब दूसरी गलती से ना दें याकूब साहब। बेकार बहस मत करो, ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। आपकी बेगम ठीक कह रही है याकूब साहब, पिस्तौल रख दीजिए। कैसा तोहफा है? अच्छी, क्या अर्ज करूं चौधरी साहब, कुत्तों के बारे में मेरा इल्म ना होने के बराबर है। मास्टर, जिस बंदे को कुत्तों के बारे में इल्म नहीं है, उसको बंदों की पहचान कैसे हो सकती है? कुत्ते तो इंसान में बड़ी इंसान होती है मास्टर। उच्ची नस्ल का कुत्ता तो उच्ची नस्ल का इंसान बड़ी मुश्किल से मिलता है। बंदा मालिक को दगा दे सकता है और कुत्ता आंख नहीं फेरता। मालिक साथ हो तो मैदान में जान देता है पर कदम पीछे नहीं जाता। कुत्ते की आंख में बड़ी शर्म बड़ी दीद होती है मास्टर। मेरी समझ में ये नहीं आता चौधरी साहब, कितने हादसों के बावजूद आप, आपकी जगह मैं होता तो कब कर रो रो के मर चुका होता। मास्टर, अथरुओं का हाड़ मेरे अंदर भी आया होया है। मैंने हमेशा तवा उची करके जीना सीखा है। मास्टर, तुमने कभी सरू के दरख्त को तूफान के आगे झुकते देखा है और कभी किसी शिकारी के आगे शेरी की अक्षय नीवी होती देखी है? चौकी की कंध किले की फसील में बड़ा फर्क होता है मास्टर। पता नहीं क्यों यकीन नहीं आता कि चौधरी नियाज फौत हो चुका है। ऐसे लगता है अभी कहीं से आ जाएगा और कहेगा देखो मैं, ओह अल्लाह बख्शे, बड़ी प्यारी तबीयत थी उसकी। बस यही कमजोरी थी उसमें मास्टर। हुकूमत करने वाले का दिल इतना कमजोर नाजुक नहीं होना चाहिए था। मगर जीते को हाथ में छुरी का डब फड़ा के कोट पतलून पवा के उसको कुर्सी में बैठा के खाना खुआओगे तो वो चीता नहीं रहता मास्टर, और दूसरे चीते उसको बकरी समझ के खा जाते हैं। ये कुदरत का कानून है मास्टर, बास कबूतरों के साथ रहने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चौधरी अनवर का अपना सब हवालात में सारी सहूलतें उसको हासिल है। पांच छोटी के वकील करके मैंने दिए उसको। अल्लाह ने चाहे तो कोई ना कोई सबील निकल आएगी। तू दुआ कर मास्टर। हम गरीबों की दुआओं में कहां असर होता है चौधरी साहब। हमारा तो वो हाल है कि लहू बेकस का मक्तल की जमीन पर, न दामन पर न उनकी आस्तीन पर। पहली बारी तुमने अच्छा शेर बोला मास्टर। इसे मारने वाले की हाथ की सफाई नजर आती है। बड़े को सुथरे हाथ वाला आदमी होगा। चौधरी साहब याकूब साहब को पुलिस पकड़ के ले गई। बीबी जी बहुत परेशान है। क्या बकवास कर रहे हैं? मैं सही बकवास कर रहे हैं चौधरी साहब, आप फौरन चले। ऊपर याकूब ने कौन से मां पटे हुकूमत के हैं? वो तो बड़ा डरू सामान पसंद शहरी है ना, उसकी मोटर का कोई चुरान होया है? नहीं जी, उन पर कत्ल का इल्जाम है। अनंगे जी, जल जी, कोई मोटर चलाने वाला है तो बुला उसको। अच्छा जी, मैं मोटर लेके आया चौ साहब। हाँ मेरे साथ।
चलो उठो, रोटी खा लो। हाँ तुम दो में खाओ। कल रात मौत के इंतजार में मेरी यहां रगा ऐसा खिंचिया रही है कि शायद मुझे सारी उम्र भूख न लगे। मुझे माफ करके मुझे जींदे जी मार गया है जोरा। कल दिलावर नहीं आया था फतेह शेर? जिस कल का पता ना हो उस पे बहस नहीं किया करते शहजादी। सो कल जिस वक्त सीधा गूठे को दो हिस्सों में तकसीम करने की बता रहा था हौसले दिलार आया था। ये देखो बाबा, ये मेरा अंगूठा है ना, इसे तोड़ के दिखाओ। ये देखो, ये देखा, देखो तो सही बाबा। हुँ? ये मेरा अंगूठा है ना। तंग ना कर शहजादे, सुन लो ना उसकी बात। तैयार हो जाता है बेटा। जिस तरह जादूगर की जान तोते में, इस तरह तेरी जान चाचा दिलावर में। चाचा दिलावर हमारे साथ जाएगा ना माँ? ओ, बड़ी देर दरवाजे पे खड़ा रहा था शहजादी, बड़ी देर। ऐसे लगता था जी मेरी मुद्दत सदियों पे फैल गई। मौत को ना करीब एक कि मेरा सारा डर खत्म हो गया था। मैं ऐसरा शहजादे की गोली का इंतजार कर रहा था जिन्हें मुझे कत्ल करने नहीं कोई तोहफा देने आया। पर फिर पता नहीं क्यों शहजादे ने अपनी नीयत बदल ली। हो यहां नहीं आएगा सोरा। ये कार अब उसके यार मौला दात का कार नहीं है ना, यार का कार नहीं है सोरा। जिंदगी में पहली बार मेरा जी शोभन को चाह रहा है। जमानत की दरखास्त रद्द होने का तो मतलब ये कि पुलिस के पास यकूब के खिलाफ बड़े ठोस और मजबूत सबूत हैं। मैंने वकीलों को बुलाया हुआ है, पर जब तक पूरे वाकयात का इल्म ना हो केस लड़ने की तैयारी नहीं हो सकती। कत्ल का केस के लिए पर हमले की तरह होता है, जब तक कोई दरवाजा ना खुले बंदा अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तुम सारी गल मुझे शुरू से सुना। मैंने आपको बताया ना मियां जी कि मुझे कुछ पता नहीं है। यकूब से मुझे इतने कच्चे काम की उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैं उसके शहर में रहने के खिलाफ था। कत्ल बड़ी सोच समझ की करण की चीज होती है ये ना। ये कुड़ी कौन है जिसके अगवा की बात हो रही थी? उसका नाम सिमी है मियाँ जी। दरअसल यकूब साहब, शकीला तुम अंदर जाओ। चल मेरे पुत्र। दरअसल यकूब साहब शकीला की शादी फारूक से करना चाहते थे, जबकि फारूक सिमी को पसंद करता था, इसलिए यकूब साहब ने। राम से थे, राम से इक्को साथ तुमने कई कहानियां शुरू कर दी हैं। इस तरह गाल मेरी समझ में नहीं आएगी ना, ये फरुख कौन है? फरुख बाहुलाम अली का बेटा मियाँ जी।
बात बात ही ये गुलामी बिचकार किधर से आ गया? मैं ठीक कह रही हूँ मियाँ जी, फरुख पागुलाम अली का ही बेटा है। पागुलाम अली ने ही शादी आपसे छुपके की थी। इसका पता सिर्फ तुम लोगों को था जी मियाँ जी, मुझे और यकूब साहब को पता था। और यकूब शकीला की शादी अनवर के बजाय फरक से करना चाहता था, पर क्यों? इसलिए कि यकूब साहब को अनवर की आदतें पसंद नहीं थी मियाँ जी। ये गुलाम अली की बुढ़ी जिंदा है? जी मियाँ जी। उसको बुलवा यहाँ। वो शायद ना आए मियाँ जी। किस तरह नहीं आएगी, मैं उसके खसम का प्यो। मियाँ जी यकूब साहब ने मुझे बताया था कि भाभी जकिया ने आपके साथ कता तल्लुक कर लिया है, इसलिए कि आपने उनके वालिद के साथ कुछ ज्यादती की। कैसी बेवकूफी की बातें कर रही? गुलामी ने अगर कोई शहर में शादी की थी तो उसकी बात तो तुम अब मुझको बता रही हो। फिर मैंने अपनी नूह को देखा भी नहीं, कोई उसके प्यो से मेरे तलकार किधर से निकला है? भाभी जकिया शेर मोहम्मद की बेटी है मेरे जी। नहीं 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 नहीं, नहीं। रहती है वो। मैंने बहुत कोशिश की जकिया बहन, मगर मैं उस पर हाथ नहीं उठा सका। मेरा सारा वजूद जैसे हवा में मुअल्लक हो गया था। एक तरफ उस शदीद नफरत की आंधी थी जिसमें 12 साल तक मैं तिनके की तरह उड़ता रहा हूं, और दूसरी तरफ जैसे कोई नादीदा ताकत बार बार मेरे हाथ रोक लेती थी। मेरी उंगलियां जैसे शल हो गई थी। कैसे मैंने उसे छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? शायद इसलिए कि बुनियादी तौर पर तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, और अच्छे इंसानों में अल्लाह ताला खुद अपने बस डाल देता है। वो माफ करने वाला है और माफ करने वालों को बहुत पसंद करता है। मगर वो माफ करने के लायक नहीं था। ये मैं नहीं जानती, लेकिन वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। किसी का तो सारा रोना है, और फिर वो खुशीदे का बाप भी है। मुझे उससे शदीद नफरत है, मगर जब कभी उसकी शक्ल मेरे ध्यान में आती है मेरे अंदर जैसे कोई चीज टूट जाती है। काश फतेह शेर मौला दाद ना होता। शायद तकदीर को यही मंजूर था। शायद क्या बहन, अगर आपने 10-12 साल तक एक दरख्त को अपने खून पसीने से सींचा हो, और जब वो फल देने लगे तो आपके हाथ बांध दिए जाएं, तो आप कैसा महसूस करेंगे? उसने मुझे जिंदा रहने का जवाब छीन लिया। इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया। नहीं, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा अम्मी, दिलावर साहब कैसे हैं? ऐसा नहीं, कैसे हो? फाइन, बल्कि वेरी फाइन। सलाम करो दिलावर साहब को, अगर ये ना होते तो तुम निकल गई होती मेरे हाथ से। खुश रहो। खुश कैसे नहीं रहेगी दिलावर भाई, मेरे जैसा दूल्हा इतना स्मार्ट हैंडसम बड़ी मुश्किल से मिलता है। क्यों? बल्कि ऑर्डर पे बनवाना पड़ता है। अच्छा, वापसी कब होगी? वापसी अम्मी 2 बजे तक। नहीं अम्मी, कमाल करती हैं आप, 2 बजे का हम 2:05 पे ही आऊंगे। अच्छा, इजाजत है अम्मी। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा। अच्छा,
अच्छा देखिए बहन, मैं अब चलता हूँ। शेरमा साहब से मेरा सलाम कहिएगा। नहीं नहीं लाड़ भाई, खाना खाकर जाइएगा, जब तक शायद अब्बू भी आ जाए। नहीं वो दरअसल मुझे एक तो काम करने हैं।